हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 31 टेक में। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आपकी यूट्यूब वीडियो पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आते हैं, 5-6 व्यूज़ ही आ रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी एप्लीकेशंस बताने वाला हूँ जो आपके मोबाइल फ़ोन में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो। और इन 5 एप्लीकेशंस का यूज़ करके आप अपनी वीडियो को वायरल भी करवा सकते हैं, व्यूज़ भी अपने इंक्रीज़ करवा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो वह मैं 5 एप्लीकेशंस आपको बताने वाला हूं जो आपके वीडियो के व्यूज़ बढ़ाने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी और आपकी वीडियो को वायरल कराने में भी आपको हेल्प करेगी। और अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके फ़ोन में वो ज़रूर होनी चाहिए। और मैं सारी एप्लीकेशंस आपको प्ले स्टोर से बताऊँगा ताकि आपको ढूंढने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो मैं प्ले स्टोर की एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो प्ले स्टोर पे मैंने क्लिक किया और इसकी एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये इसका होम पेज आ गया। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वो एप्लीकेशन सर्च करता हूँ जिसका नाम है YT स्टूडियो। ठीक है, बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। ठीक, आप देख सकते हैं YT स्टूडियो की एप्लीकेशन आ गई यहाँ पर। तो ये बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप अपने कितने आपके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, कितना वॉच टाइम बढ़ रहा है, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, और अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आप कितने अर्निंग वहाँ से कर रहे हैं, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आप कमेंट्स देख सकते हैं, कौन आपके वीडियो पे कमेंट कर रहा है, उन वीडियो की कमेंट्स का आप रिप्लाई कर सकते हैं। आप पूरा एनालिटिक्स देख सकते हैं अपना कि किस वीडियो को आपको लोग देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कौन कौन सी वीडियो हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक रिसर्च टैब भी है जिसके हेल्प से अब आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके ऑडियंस किस तरह के टॉपिक्स, किस तरह की वीडियोज़ आपसे देखना एक्सपेक्ट कर रही है। तो उस टॉपिक पे आप वीडियो बना के अपने व्यूज़ जो हैं वो इंक्रीज़ करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने कंटेंट को यहाँ पे मैनेज भी कर सकते हैं हर तरीके से। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आप यहाँ से, आप देख सकते हैं मोनेटाइज प्रोग्राम के लिए आप यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं जब आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाए। तो यहाँ पे YT स्टूडियो एक कंप्लीट टूल है, यहाँ से आप अपने चैनल को पूरे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अपनी वीडियोस को वायरल करवाने के लिए आपको इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पहली एप्लीकेशन हो गई हमारी। अब बात करते हैं दूसरी एप्लीकेशंस के बारे में। तो जो दूसरी एप्लीकेशन है उसका नाम है U Tags Pro। ठीक है, U Tags Pro नाम की एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं U Tags Pro SEO Tags Finder। आप अपने टैग्स को यहाँ पे SEO कर सकते हैं अपने टैग्स का। मान लीजिए आपको किसी बड़े यूट्यूबर के टैग्स हैं वो आपको कॉपी करने हैं, वो भी आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंडिंग टैग्स भी आ गए। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर आप किसी का टाइटल टैग्स डिस्क्रिप्शन किसी बड़े यूट्यूबर की वीडियो के कॉपी करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से एक स्टेप के अंदर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ठीक है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं। तीनों चीज़ें आप एक साथ कॉपी कर सकते हैं और अपनी वीडियो को आप वायरल करवा सकते हैं। बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। एक झटके के अंदर आप उसकी वीडियो के सब कुछ आप कॉपी करके अपनी वीडियो में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी नंबर की एप्लीकेशन है जो आपके फ़ोन में होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन के बारे में जो आपकी ऑडियो से रिलेटेड है। एक अच्छी ऑडियो क्वालिटी, मतलब आपकी जो वॉइस है उसकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतनी जल्दी आपकी वीडियो वायरल होती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपकी ऑडियो उसमें प्ले करती है। मान लीजिए आपने कोई यूट्यूब वीडियो बनाई, सब कुछ उसमें आपने अच्छा किया, लेकिन उसमें आपकी जो ऑडियो है वो अच्छी नहीं आ रही है, आपकी जो वॉइस है वो ही अच्छी नहीं आ रही है, लोगों को वो सुनने में ही अच्छी नहीं लग रही है, तो आपकी वीडियो को देखेगा ही कौन, तो आपकी वीडियो पर व्यूज़ ही कहाँ से आएंगे। तो इसलिए एक अच्छी ऑडियो क्वालिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, मैं एक माइक यूज़ कर रहा हूँ। आप भी इस तरीके का माइक परचेज कर सकते हैं। ये माइक है बोया का BY-M1 माइक है। बहुत ही अच्छी ऑडियो इससे आती है, इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा माइक के रूप में। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके इसे परचेस कर सकते हैं। अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं ये थर्ड एप्लीकेशन आपको रेफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, आपको बता रहा हूँ कि ये आपके अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो एप्लीकेशन है
उसका नाम है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। ठीक है, ये आपकी ऑडियो क्वालिटी के लिए है, आपकी वीडियो में जो ऑडियो वॉइस आप जो डालते हैं उसकी क्वालिटी को ये इम्प्रूव कर देती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही कमाल का इसका इंटरफेस भी है, और यहाँ पे आप अपनी ऑडियो को कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, उसकी पिच को लो हाई कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग एक अच्छी ऑडियो अपनी वीडियो के अंदर दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी एप्लीकेशन है, जितनी अच्छी ऑडियो होगी उतनी ज़्यादा वीडियो की क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी होगी, तो वीडियो जितने ज़्यादा लोगों तक जाएगी, अगर आपने अच्छी वीडियो बनाई है तो उतने ज़्यादा लोग उसे देखना पसंद करेंगे और आपकी वीडियो वायरल होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है ये वाली एप्लीकेशन भी। और मैंने माइक के बारे में आपको बता दिया, अगर माइक लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ एप्लीकेशन के बारे में। तो फोर्थ एप्लीकेशन जो है वो है कैनवा। ठीक है, थंबनेल बनाने के लिए आपको पता ही है एक वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है थंबनेल का, तो आप कैनवा एप्लीकेशन सबसे बेस्ट है। कैनवा एप्लीकेशन मुझे सबसे बेस्ट लगती है। यहाँ पे आप किसी भी तरह के थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, थंबनेल कर सकते हैं। यहाँ पे दुनिया भर के टेम्पलेट्स आपको फ्री में देखने को मिल जाते हैं, फिल्टर, स्टिकर्स, इफ़ेक्ट्स, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, अपनी वीडियो में एडिट कर सकते हैं। ठीक है, मिलियन ऑफ फ्री फ़ोटोज़, वीडियोज़, ऑडियोज़ मिल जाती हैं आपको। ठीक है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है थंबनेल बनाने के लिए। जितना अच्छा थंबनेल होगा उतने ज़्यादा लोग आपकी वीडियो पे क्लिक करेंगे, उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। इसी के रिप्लेस में अगर मान लीजिए आप कैनवा नहीं करना चाहते तो एक और एप्लीकेशन है इसी में, ठीक है, उसका नाम है पिक्सल लैब। इससे भी आप थंबनेल बना सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे थंबनेल आप इससे बना सकते हैं। टेक्स्ट आप इसमें अच्छा अच्छा टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, 3D टेक्स्ट मिलते हैं आपको यहाँ पे, ब्यूटीफुल स्टिकर्स, बैकग्राउंड रिमूवल भी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये दोनों एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से जो आपको अच्छी लगे थंबनेल बनाने के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी वीडियो को वायरल करवा सकते हैं। अब जो फिफ्थ एप्लीकेशन है, लास्ट एप्लीकेशन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ये तो आपके फ़ोन के अंदर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपकी जो वीडियो है वो वायरल होनी बहुत मुश्किल है, और वो है आपकी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन। आपके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप काइन मास्टर एप्लीकेशन का यूज़ करें। ये बहुत ही अच्छी, इजी और बहुत ही आसानी से इसमें सब कुछ हो जाता है, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। इसमें आप अपनी वीडियो को हाई क्वालिटी टेम्पलेट्स मिलते हैं आपको, प्रोफेशनल वीडियो एडिटर की तरह आप इसमें एडिट कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूवर भी है इसमें, विजुअल्स इफ़ेक्ट्स भी हैं, ट्रांजिशन, टन ऑफ स्टिकर्स, फंड्स, एसेट्स इसमें बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं, और एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है ये वीडियो को एडिट्स करने के लिए। तो ये काइन मास्टर की एप्लीकेशन भी आपको अपने फ़ोन में ज़रूर रखनी चाहिए। इसमें आप ट्रांजिशंस इफ़ेक्ट्स भी लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे इसमें इफ़ेक्ट्स देखने को आप मिलते हैं, एडिट कर सकते हैं बहुत अच्छे से अपनी वीडियो को, और उससे जितने अच्छे से आप अपनी वीडियो को एडिट करेंगे, जितनी अच्छी आप अपनी वीडियो क्रिएट करेंगे, उतनी अच्छी ही आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज़ आएंगे और आपकी वीडियो वायरल होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पांचों एप्लीकेशंस के बारे में बता दिया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके पास इनमें से कौन सी एप्लीकेशंस पहले से ही आपके मोबाइल फ़ोन में थी और कौन सी आप इंस्टॉल करने वाले हैं। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप वो भी मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।